नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RPSC ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे दोस्तों एजुकेशन से संबंधित जो भी सूचनाएं होगी मैं इसमें अपलोड करता रहता हूँ तो आपको सूचनाएँ सारी मिल सके। दोस्तों, आज मैं लैब असिस्टेंट जिसका पेपर 3 फरवरी 2019 को हुआ था उसकी मैं आज आंसर की अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप इसको देखें। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर राइट हों, फिर भी 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो जो विभागीय वेबसाइट जो विभाग इसकी आंसर की जारी करेगा वही अंतिम है। दोस्तों, ये है आपका पेपर जो 3 तारीख को हुआ था, इसमें कुल 150 क्वेश्चन आए थे और इसमें समय था 3 घंटे। दोस्तों, मैं आपको आंसर के क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, सही युग्म सुमेलित कीजिए, तो इसमें हो जाएगा MA4 यानी जसनाथी जो है कतरियासर में है, यानी MA4, BMA2, CMA3 और DMA1, यानी कि इसका ए राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो यह है हो जाएगा इसमें से नाथद्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, संत पीर शाह अली और तुक्कनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की, तो इसमें हो जाएगा तुर्रा कलंगी ख्याल। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित है, तो आपको सबको पता है करणी माता मंदिर देशनोक। पांचवा है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था, तो इसका हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था, तो इसका हो जाएगा जयदयाल। सातवा क्वेश्चन है, वीर सत्सई बल विलास और रामर जाट के लेखक थे सूर्यमन मिश्रण। और आठवा क्वेश्चन है, बागौर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है, तो यह है कोठारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनाल में सुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था, तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि ये इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रत्याहारों के इतिहास की जानकारी देता है, तो इसमें हो जाएगा घटियाला अभिलेख। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, तो आमेर रणथंभौर बीकानेर ने किए थे, लास्ट बचा था जैसलमेर के रावल हर राय ने नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या था, तो पहली मंजिल का नाम था प्रताप मंदिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान आया था, तो ये हो जाएगा 1893 में। और अगला है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये हो जाएगा रामनारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया, भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी ने शुरू किया था। और अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलयनीकरण के लिए तैयार था, तो इसमें दोस्तों भरतपुर की जनता ने ये बहुमत लिया गया था कि हम उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की है, सब दोस्तों को पता है डूंगरपुर की थी कालीबाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधाड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा चौमुहागढ़। अगला है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, सबको पता है कई पेपर्स में आता है क्वेश्चन, आभानेरी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए, तो ये थे संत धन्ना जी। और अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्य थे किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, तो दोस्तों राजस्थानी को सबको पता है लोक देवता गोगा जी के मंदिर होते हैं, वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था, तो उनको मीनाकारी कला
में अलंकृत किया गया था पद्मश्री से। अगला है, मोहम्मद शाह साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये थे जयपुर शैली के। अगला क्वेश्चन है, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो ये है ढूंढाड़ी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा 38.11। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ है अपने 12 में। और अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है? तो आपको सबको पता है बांस है। और अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो थार का मरुस्थल अपने राजस्थान में 61% पर फैला हुआ है और इसमें हमारी राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, तो इसमें भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है? तो वैज्ञानिक नाम है इसका कैमेलस ड्रोमेडेरियस, यानी कि इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो ये योजना थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना ये डूंगरपुर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिले के लिए जल का स्रोत है? ये इसका हो जाएगा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। और अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? तो यह है NH-89। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? तो यह है फेल्सवार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेल, तो इसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? तो कोपेन ने एक अपनी राजस्थान, ये जो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था, तो इसमें अपने डूंगरपुर में AW, यानी कि इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो ये आप सबको पता है जैसलमेर। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसमें है दोस्तों एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है? तो इसमें है 24। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी है? तो यह आपको सबको पता है चंबल नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है गंगानगर। अगला है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है? तो ये हो जाएगा हिंदू मलकोट, यानी गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का देशांतर विस्तार, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा आपको 69°30' से पूर्वी से 78°17' पूर्वी तक। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई है? तो हो जाएगी 1592 मीटर। और इसके अलावा आगे है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो कौन सी में नहीं है? जालौर में नहीं है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फुलवारी की नाल स्थित है? तो ये उदयपुर में है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित
नहीं है, ये हो जाएगा आपके नागफानी अरावली दर्रा। ये नागफानी अरावली दर्रा है, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा आपके अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनाडा बोल्सम एक माउंटिंग एजेंट को स्थायी स्लाइड्स के लिए प्रयोग किया जाता है, ये एक जाति से प्राप्त होता है, तो ये है एबिस जाति। अगला क्वेश्चन है, भूस्तरी होता है, स्त्री होता है एक उपवायवीय रूपांतरित स्तंभ, इसका डी क्वेश्चन राइट है, डी आंसर राइट है। और अगला है, रोजी क्या है, तो रोजी ये एक नस्ल का नाम है, और ये है नस्ल किसकी, एक ट्रांसजेनिक गाय की। अगला क्वेश्चन है, लीची का खाने योग्य भाग होता है, क्या होता है इसका, लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। और 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, इसमें हो जाएगा 25। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ण सशक्तता शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो ये हो जाएगा आपका हेबरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, साधारणतया मूसला मूल पाई जाती है, मूसला मूल पाई जाती है द्विबीजपत्री में। और अगला क्वेश्चन है, रोडोफाइसी का संचित उत्पादन है, तो ये हो जाएगा आपके फ्लोरी डीएन स्टार्च। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोमेला अवस्था पाई जाती है, तो पोमेला अवस्था पाई जाती है आपकी क्लेमाइडोमोनोज में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेव और नाशपाती का खाने योग्य भाग है, तो ये है इसमें पुष्पासन। अगला क्वेश्चन है, जैविक विविधताओं पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ सीमित समिट हुआ था, ये था रियो डो जेनेरियो यानी कि ब्राजील में, और हुआ था 1992 यानी बी राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है, चाय का लाल किट रोग किस के द्वारा होता है, तो ये होता है हरे शैवाल के कारण। और अगला है, ज्वार के फल को कहते हैं, ज्वार के फल को कहते हैं कैरियोप्सिस। और अगला क्वेश्चन है, शब्द बायोसोनेसिस किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्ल मोबियस। अगला क्वेश्चन है, जिबरेलिन को पृथक किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कवक से। और अगला क्वेश्चन है आपका, उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है कहते हैं, इसको कहते हैं हमें डेंड्रोग्राम। और अगला क्वेश्चन है अपना 68 नंबर, मानव द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही है, तो इसमें हो जाएगा CHG, HPL, प्रोजेस्ट्रॉन और इस्ट्रोजन। और अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर, तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है, तो इसमें हो जाएगा आपके के आयनों का बहिप्रवाह। और अगला क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है, इसमें हो जाएगा आपके मध्य मस्तिष्क में दो द्रक्ष पालिका उपस्थित, ये हो जाएगा इसका। और 71 क्वेश्चन है जिस में क्या है, विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत करण के किस भाग द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आधारीय कला। अगला क्वेश्चन है आपका, रेखीय रेखित पेशी के लिए जब वह संकुचित होती है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है, प्राणी कोशिका में कौन से RNA की प्रचुरता है, तो इसमें हो जाएगा RSpace RNA यानी कि इसमें बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षणा प्रारूप अनुपात था, इसमें था 9
तो थे गोल और पीले अनुपात 3 गोल और हरे, और 3 थे झुर्रीदार और पीले और अनुपात 1 थे झुर्रीदार और हरे। अगला प्रश्न है आपका, स्तंभ फर्स्ट में दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ सेकंड में दिए गए कैरियोटाइप से मेल करते हुए उत्तर का चयन कीजिए जो सही नहीं है। सही नहीं है वो हो जाएगा आपके टर्नर सिंड्रोम और इसका ट्राइसोमी 21। ये थर्ड है वो सम्मिलित नहीं है। 76, निम्न में से कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है? तो ये हो जाएगा बैल, कबूतर और चमगादड़, यानी कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, तो इसमें है संघों के नाम युक्त सूची फर्स्ट को संरचनाओं युक्त सूची सेकंड से मेल करें और सही उत्तर का चयन करें, यानी इसमें से सही कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपके सही ए में हो जाएगा सेकंड, और बी में हो जाएगा फर्स्ट, सी में हो जाएगा थर्ड और डी में हो जाएगा सिक्स लास्ट। और 78 प्रश्न है आपका, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है? तो ये हो जाएगा लाइपेस। और 79 में आपके निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपके त्रिकपर्दी कपाट और मिस्ट्रल कपाट, यानी कि थर्ड सी इसका राइट है। और अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन का श्रावण करती है, एंड्रोजन का श्रावण करती है आपके ये लेडी कोशिकाएं। 81 प्रश्न है आपका, मनुष्य में जीवाणुवीय रोग है, जीवाणुवीय रोग कौन से हैं? टाइफाइड है, प्लेग है और मलेरिया है। प्लेग और ये आपके मलेरिया नहीं है, टाइफाइड, प्लेग और टाइफस है, यानी इसका बी राइट है। और अगला क्वेश्चन है आपके, समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख और व्हेल के मीन पक्ष, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ एनीलिडा और मोलरका की योजक कड़ी है। तो इसमें हो जाएगा आपके नियो पिलाइना। अगला क्वेश्चन है 84, मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है? तो ये होता है एंथेरिया पेफिया, इससे प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, यंग के एक द्विजीरी प्रयोग में झीरियों के मध्य दूरी 1 mm और पर्दे की झीरियों से दूरी 1 mm है, तो 1500 nm तरंग द्रव्य के एक वर्णी प्रकाश के लिए तीसरे निमिष्ट की मध्य उत्कृष्ट दूरी होगी। तो इसकी दूरी होगी 1.25 mm। और अगला क्वेश्चन है, ब्रूस्टर का नियम है, तो ब्रूस्टर का नियम है आपके ये, इसमें भी राइट हो जाएगा, यानी कि यू इसका मतलब होता है अपवर्तनांक बराबर टेन आई पी। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके, एकल छिद्र फाइनहॉफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निम्निष्ट इसमें हो जाएगा आपके आंसर दूर होंगे, यानी कि बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग द्रे होगी, तो इसमें हो जाएगा आपके 6557 ए, यानी कि इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में है, यानी कि इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 गुना। और इस अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा चाहिए, वो है 10.2 eV। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रेटिरेस नाभिक की बंधक ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन 1.115 mev है, इस नाभिक के लिए द्रव्यमान का मान होगा,
तो इसका मान होगा दोस्तों आपके भी राइट हो जाएगा 0.0024 m। अगला क्वेश्चन है आपका 92। बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, इसमें होता है आपके नाभिक में न्यूट्रॉन के से से। और अगला क्वेश्चन है आपका, जब 7/3 Li को किसी कण से टक्कर दी जाती है तो दो अल्फा कण उत्पन्न होते हैं, टकराने वाला कण वो होता है प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी 50 हर्ट्ज मुख्य आवृत्ति पर कार्य कर रहा है, इसके रिफल की मूल आवृत्ति होगी वो होगी 50 हर्ट्ज, यानी डी राइट हो जाएगा। 95 क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन है, इसका आंसर हो जाएगा आदर्श अचालक, आदर्श अचालक हो जाएगा। 96 क्वेश्चन है जो कि है ये आपके बॉक्स नुमा बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें एराइट यानी OR गेट। अगला क्वेश्चन है आपका, दरवाजे में हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारों पर लगाए जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए और अधिकतम बल आघूर्ण लगने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो कणों के निकाय की अवधारणा निम्नलिखित निम्न अवधारणा कीजिए, जिसमें एक कण का द्रव्यमान mi दूसरे कण का m2 है। यदि प्रथम कण का द्रव्यमान केंद्र की तरफ d दूरी से खिसकाया जाए तो दूसरे कण की को कितनी दूरी से खिसकाना पड़ेगा जिसके निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों m1/m2×d। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके, एक वर्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर एवं द्रव्यमान 25 किलोग्राम है अपनी धुरी पर 120 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूर्णन करती है, चकती का जड़त्व आघूर्ण होगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 3.125 kg/m². अगला क्वेश्चन है आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, किसी गैस के दो नमूने ए व बी प्रारंभ में एक ही तापक्रम व दाब पर हैं और उन्हें संपीड़ित कर उनका आयतन वी से वी बटा दो किया जाता है, ए को समतापी तरीके से बी को रुद्धोष्म तरीके से संपीड़ित किया जाए तो ए का अंतिम दाब है वो होगा बी से कम, यानी कि इससे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी गैस पर 20J कार्य किया जाता है जूल, मतलब J का मतलब जूल, तो 40J उष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 70J थी तो इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा है, इसका हो जाएगा 90J। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श उष्मा इंजन में कॉर्नोट प्रक्रम 227°C और 127°C के बीच निष्पादित होता है तो उच्च दाब ये 10^4 J उष्मा अवशोषित करता है, उष्मा की मात्रा जो कार्य में परिवर्तित होगी तो इसका हो जाएगा दोस्तों 2000 J। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, दो समान ताप के बीच कार्य करने वाली सभी उत्क्रमणीय ऊर्जा इंजन की दक्षताएं, तो इसका आंसर होगा बराबर होती है। और अगला क्वेश्चन होगा आपका, सरल आवर्त गति में किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा समान होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों x=(a/√2). अगला आपका क्वेश्चन है, एक बच्चा झूले पर झूल रहा है उसकी जमीन से निम्नतम और अधिकतम ऊंचाई क्रम से 0.75 मीटर वे ये आपके 2 मीटर हैं, उसकी अधिकतम चाल होगी तो इसकी हो जाएगी दोस्तों 5 m/s। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6वां, इसमें दिया गया है, एक 5 किलोग्राम का गट्ठा, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक 500 Nm
की घात एक माइनस एक है से जोड़ा गया। ये एक समतल क्षैतिज सतह पर बिना घर्षण के गति करता है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। गड्ढे की संतुलित अवस्था से 10.0 सेंटीमीटर विस्थापन कर छोड़ा जाता है। गड्ढे का दोलन काल है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 0.628 s। अगला क्वेश्चन है आपका 107 नंबर, जिसमें आपको कुछ आकृतियां दी गई है। और गैसीय माध्यम से ध्वनि की चाल के वर्ग V2 तथा गैस परम ताप, ये आपके क्या लिखा हुआ है, T के मध्य सही संबंध दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, ये आपके बी राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। इसमें आपके राइट होगा, बी नहीं होगा, इसमें होगा सी। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ध्वनि स्रोत का वेग जब एक स्तर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति दुगुनी महसूस हो, तो ध्वनि का वेग बराबर 330 ms घात माइनस एक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा -165 ms की घात माइनस एक। अगला क्वेश्चन है आपका, दो एक समान नलियों ए व बी में नली ए के दोनों सिरे खुले हैं व नली बी का एक सिरा बंद है, नलियां ए व बी की मूल आवृत्ति का अनुपात ए अनुपात बी है, तो इसका सही अनुपात होगा दोस्तों सी हो जाएगी इसमें, 2:1। अगला क्वेश्चन है, एक आवेश क्यू एक घन में प्रतिबद्ध है, उसके एक फलक से दूसरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों Q/6EO। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तीन आवेश हैं जिसमें +4Q, Q और Q छोटा, एक यहाँ पे है लंबाई की सीधी रेखा पर क्रम से O, L/2 और L दूरी पर स्थित है, Q का मान क्या होना चाहिए कि Q पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाए, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों -Q। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित तेल की बूंद 3×10⁴ Vm-1 के समान क्षेत्र पर लटकी हुई है, वह न तो नीचे गिरती है और ना ही ऊपर उठती है, तेल की बूंद पर आवेश है, बूंद का द्रव्यमान 9.9×10⁻¹⁵ kg व जी 10 ms-2, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपके 3.3×10⁻¹⁸ c। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध है, तो इसका हो जाएगा 10। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके 114 नंबर है, एक विभव मापी तार को एक सतत वोल्टेज 3V लगाया जाता है और 1.08V ये VV वाला सेब 216 सेंटीमीटर की लंबाई पर विभवांतर से संतुलित होता है, विभव मापी का तार की कुल लंबाई होगी, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 600 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या हम तांबे के तार का उपयोग विभव मापी तार के रूप में कर सकते हैं, सही विकल्प चुनें। 115 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, प्रतिरोधकता कम होती है एवं प्रतिरोध का ताप गुणक बहुत अधिक होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। और 116 नंबर क्वेश्चन है आपका, विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से नापता है और क्योंकि ये बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यंग के दी स्लिट प्रयोग में यदि पीले प्रकाश के एक वर्णी स्रोत को एक लाल प्रकाश वाले से बदल दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुछ आकृतियां दी गई है, बोयल के नियम का सही निरूपण, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपके ए राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 119 में हो जाएगा आपके, अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की हानि होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की इकाई है, तो पृष्ठ तनाव की इकाई है वो है Nm^1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 21 नंबर, द्रव्य के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम श्यानता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण दोस्तों पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर सोडियम का केंद्रित घनीय जालक के क्रिस्टलीकृत होता है जिसके किनारे की लंबाई A=4.24 है सोडियम, Na का परमाणु भार 23 है, तो सैद्धांतिक घनत्व है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1.002 ग्राम सेंटीमीटर की घात 3। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस तरह की त्रुटि के अंतरकाशी स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है, वो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंकल त्रुटि अनुपात दोष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों 125 नंबर, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वयन संख्या है, तो इसका है 6, इसमें सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा विलय का आयनीकरण कम होना चाहिए, इसमें लास्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मोल NaCl के 1000 ग्राम जल युक्त विलयन में NaCl की घोल भिन्न है, उसमें हो जाएगा 1.77 हो जाएगा, ये राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राउल्ट के नियमानुसार एक विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलय के मोल भिन्न है, विलय के मोल भिन्न के, यानी कि इसका बे राइट हो जाएगा, विलय के मोल भिन्न के, यानी कि डी राइट होगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 250 ml 0.1 m विलयन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका 1 ग्राम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाइपोक्लोरस अम्ल तथा प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है, तो इसका हो जाएगा 1.1 डाइक्लोरोप्रोपेनोन। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, कुछ आकृतियां दी गई है, नीचे दिए गए यौगिकों को घटते हुए अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका हो जाएगा पहले फर्स्ट आएगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, यानी बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से अणुओं की अनुवाद संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा इनमें समान आबंधन होते हैं, तो इसका हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 133 नंबर, एंथेन के संतरित स्वरूपण के विषय में सही कथन को चुने, तो इसका हो जाएगा ग्रस्त स्वरूपण से ज्यादा स्थायी होते हैं, यानी कि बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजें जिसमें एक सतुष्क कार्बन है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 2.2 डाइमेथिलप्रोपेन, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथीन और इथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण है, तो इसका कारण है इलेक्ट्रॉन का विस्थापीकरण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
तत्वों CNPS के परमाणु आकार का सही क्रम है। तो इसमें पहले N, उसके बाद C आएगा, उसके बाद S आएगा, उसके बाद P आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? तो ये करता है दोस्तों परमाणु संख्या को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा वाला तत्व है, तो ये है आपका O। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न तत्वों HOFS और CL के लिए विद्युत ऋणात्मक का क्रम बढ़ता है, तो इसमें हो जाएगा H, उसके बाद S, फिर CL, फिर O, फिर F। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, P4 में PP बंधों द्वारा निर्मित कक्षकों में पाई यानी गुण का प्रतिशत, तो इसमें हो जाएगा आपके 75%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंतर हेलोजन यौगिक जो दीलक संरचना में पाया जाता है वह है दोस्तों I C3। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण है? तो वो है NA K पंप, यानी इसका सी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व होगा, इसका आपका हो जाए क्वेश्चन NH4Cl का दुगुना। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, VF3 की अम्लीयता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है? तो इसका आंसर होगा लुईस अवधारणा पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1 लीटर बफर विलयन में 0.01 mn11 4 Cl तथा 0.1 mn NH4OH है, इसके लिए pKb का मान 5 है, तो इसकी pH होगी, तो इसकी pH हो जाएगी दोस्तों 10, यानी कि बी राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन का pH 5.2 है तो इसका pOH होगा, तो इसका ये हो जाएगा 6.8। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा विलयन बफर के रूप में कार्य करता है? बफर के रूप में कार्य करता है आपका CH3COOH प्लस CH3COONA। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब है? तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का प्रयोग। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्श गैस के समीकरण PV बराबर NRT में निम्न में से कौन सा R का गणितीय मान नहीं हो सकता? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 8.314 पास्कल मीटर 3 मोल फर्स्ट के की घात 1। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं इसी तरह उपयोगी जानकारियां आपके लिए उपलब्ध करवाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।